सो हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज इमरान, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज के इस वाला वीडियो के अंदर मैं आप लोग को पिक्सआर्ट ऐप के अंदर बैकग्राउंड कलर चेंजिंग फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ, ठीक है। एंड ये वाला फोटो एडिटिंग के अंदर मैं आप लोग को हेयर एडिटिंग भी सिखाने वाला हूँ। सो ये वाला वीडियो को तो शुरू से अंत तक देखो, वीडियो आप काफ़ी दिन टेस्टिंग बनने वाला है। सो वीडियो को फटाफट एक लाइक कर देना, चैनल पर अगर नहीं हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही न्यू फोटो एडिटिंग सीखने के लिए। एंड मुझे इंस्टा पर भी जाके फॉलो कर लेना, इंस्टा का लिंक आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओके। सो चले वीडियो का आप स्टार्ट कर लेते हैं। एंड फोटो को पिक्सआर्ट ऐप के अंदर ओपन करने के बाद सबसे पहले तो ये वाला फोटो का फेस को आप लोगों को व्हाइट कर लेना है। फेस को व्हाइट करने के लिए आप लोगों को टूल्स वाला आइकन पे क्लिक कर लेना है। टूल्स वाला आइकन पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को जाना है एडजस्ट टूल के अंदर। एंड यहाँ पे मिल जाएगा आप लोगों को सैचुरेशन, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसका सैचुरेशन को माइनस, फोटो के हिसाब से आप लोग माइनस कर लेना, ओके। एंड इसका ब्राइटनेस पर जाकर इसका ब्राइटनेस को आप लोग को बढ़ा लेना है। तो मैं यहाँ पे इसका ब्राइटनेस को रख दूँ तो 8। एंड इरेजर टूल के अंदर क्लिक करके हम लोग कर लेंगे इसको इन्वर्ट। तो यहाँ पे मिल जाएगा आप लोग को इन्वर्ट का आइकन, इसके ऊपर आप लोग को टैप करना है। टैप करने के बाद आप लोग को यहाँ पे ब्रश को सिलेक्ट कर लेना है, ओके। एंड इसका हार्डनेस को हल्का सा बढ़ा के इस टाइप से आप लोग फेस के ऊपर ब्रश कर लेना है। तो मैं यहाँ पे पूरा फेस एंड हैंड के ऊपर ब्रश कर लेता हूँ। सो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो फोटो के अंदर कितना ज़्यादा फोटो का फेस व्हाइट बन चुका है, ठीक है। सो इस टाइप से आप लोग फोटो का फेस को व्हाइट कर पाओगे, वो भी बहुत ही इजी स्टेप के अंदर। सिंपली ये स्टेप कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को राइट पे क्लिक कर लेना है एंड फिर से राइट पे क्लिक कर लेना है। एंड ये वाला फोटो का फेस कितना ज़्यादा व्हाइट हो गया आप लोग देख ही सकते हैं, ओके। फेस को व्हाइट करने के बाद ये वाला फोटो का आप लोगों को सैचुरेशन हाई कर लेना है। सैचुरेशन को बढ़ाने के लिए आप लोगों को टूल्स वाला आइकन पर क्लिक कर लेना है एंड फिर से एडजस्ट टूल के अंदर क्लिक कर लेना है। एंड यहाँ पे मिल जाएगा आप लोगों को सैचुरेशन का टूल, इसके ऊपर आप लोगों को टैप करना है एंड इसका अमाउंट को आप लोगों को 100 कर लेना है। 100 करने के बाद आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा इरेजर टूल, इसके ऊपर आप लोग क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग इरेजर को सिलेक्ट करके सिर्फ फेस के ऊपर से ये वाला इफेक्ट को हटा लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फेस से ये वाला इफेक्ट को इरेज कर लेता हूँ। ये वाला इफेक्ट को आप लोग फेस के अंदर से इरेज करने के बाद आप लोग को राइट वाला आइकन पर क्लिक कर लेना, कर देना डन पे क्लिक, ओके। एंड यहाँ पे देख सकते ये वाला फोटो के अंदर हमारा सैचुरेशन भी ऐड हो चुका है। सैचुरेशन को ऐड करने के बाद ये वाला फोटो का आप लोगों को बैकग्राउंड कलर को चेंज कर लेना है। बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा इफेक्ट टूल, इसके ऊपर आप लोग क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा कलर्स वाला आइकन, इसके ऊपर आप लोग क्लिक करना है, ओके। यहाँ पे मिल जाएगा आप लोग कलर्स वाला आइकन। तो कलर्स वाला आइकन के अंदर आने के बाद आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा कलर रिप्लेस, इसके ऊपर आप लोग को टैप करना है। एंड ये वाला प्लस वाला आइकन बैकग्राउंड का किसी भी कलर पर छोड़ देना है, ठीक है। सो आप लोग ग्रीन कलर पे छोड़ लेना है आप लोग का बैकग्राउंड के अंदर। एंड बैकग्राउंड का ग्रीन कलर पे छोड़ने के बाद आप लोग इसका रिप्लेस ह्यू को माइनस इधर उधर करके देख लेना कौन सा कलर आप लोग को अच्छा लगेगा, मतलब आप लोग का फोटो के अंदर रखोगे। तो मुझे ये वाला कलर अच्छा लगा, ओके। तो मैं यहाँ पे ये वाला कलर ही रखूँगा। एंड यहाँ पे देख सकते फोटो के अंदर ये वाला कलर कितना ज़्यादा एडजस्ट हो जाता है एंड ये वाला फोटो भी कितना ज़्यादा बढ़िया दिखने लग गया, ओके। अब आप लोग को इरेजर टूल के अंदर क्लिक करके ये वाला इफेक्ट को इरेज कर लेना है, ठीक है, एक्स्ट्रा पार्ट से। तो मैं यहाँ पे शर्ट के अंदर से इसको इरेज कर लेता हूँ। इस टाइप से शर्ट के अंदर से इरेज करने के बाद आप लोग को राइट पे क्लिक कर लेना है, ओके। एंड थोड़ा सा आप लोग को एडजस्टमेंट करके सारे चीज स्टेप कर लेना है। सो यहाँ पे देख सकते ये वाला फोटो का आप लोग का बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो चुका है एंड यहाँ पे शर्ट का कलर भी चेंज हो चुका है, मतलब पहले जैसा हम लोग रख लिया शर्ट का कलर पे। सो आप लोग अगर चाहो तो कलर भी चेंज कर सकते हो, ओके। सो इस टाइप से आप लोग बैकग्राउंड कलर को चेंज कर पाओगे बहुत ही इजी स्टेप के अंदर। अब मैं बोलूँगा आप लोग हेयर को कैसे एडिट कर पाओगे, ओके। हेयर को एडिट करने के लिए आप लोग को ऑटोडेस्क स्केच बुक ऐप का यूज कर लेना है, ओके। तो सबसे पहले तो वाला फोटो को आप लोग को सेव करना है पिक्सआर्ट से। तो पिक्सआर्ट से आप लोग को ड्रॉ टूल के अंदर से ही फोटो को सेव करना है। तो आप लोग को ड्रॉ पर क्लिक कर लेना है एंड फिर से ड्रॉ पर क्लिक कर लेना है। एंड यहाँ पर मिल जाएगा आप लोग को 3 डॉट का आइकन, इसके ऊपर क्लिक करके फोटो को सेव कर लेना गैलरी के अंदर, ओके। एंड यही वाला फोटो को आप लोग को ओपन कर लेना ऑटोडेस्क स्केच बुक ऐप के अंदर। तो फोटो को पिक्सआर्ट से सेव करने के बाद आप लोग को ये वाला फोटो को ओपन कर लेना ऑटोडेस्क स्केच बुक ऐप के अंदर। एंड ऐप के अंदर फोटो को शेयर करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले तो आप लोग को हेयर को एडिट कर लेना है। हेयर को एडिट करने के लिए आप लोग को इस वाला टूल के अंदर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने बहुत सारे यहाँ पे ब्रश देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा आप लोग को नीचे को जाके कुछ इस टाइप का आप लोग को ब्रश देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इन सारा ब्रश के अंदर से आप लोग ये वाला ब्रश को सिलेक्ट कर लेना है।
सेलेक्ट करने के बाद आप लोग को यहाँ पर जाना है सेटिंग पे। सेटिंग को आप लोग को इतना ही रख लेना है, इसको आप लोग को 19% ही रखना है एंड इसको भी आप लोग को 19% ही रखना है, ठीक है। साइज को आप लोग फोटो के हिसाब से रख लेना, तो मैं यहाँ पे साइज को रख देता हूँ 7-8 एंड कुछ इस टाइप से हेयर के ऊपर चला लेना है। तो मैं यहाँ पे पूरा हेयर के ऊपर ये वाला ब्रश को चला लेता हूँ एंड हमारा हेयर को एडिट कर लेता हूँ। इस टाइप से आप लोगों को हेयर को एडिट कर लेना है। सो यहाँ पे देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से यहाँ पे हेयर एडिट हो गया। ओके, आने वाला फोटो का आप लोगों को फेस को भी स्मूथ कर लेना है। अगर आप लोगों को फेस स्मूथ करना नहीं आता तो इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना के रखा हूँ, इसी ऐप के अंदर आप लोग फेस को भी स्मूथ कर पाओगे। ओके, फेस स्मूथ के बारे में जो वीडियो है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, वो वाला वीडियो देख लेना एंड इसी एप्लीकेशन के अंदर फेस को भी स्मूथ कर लेना। ओके, सो इस टाइप से आप लोगों को हेयर को एडिट करने के बाद ये वाला फोटो यहाँ पे हो गया कंप्लीट एंड यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला फोटो एडिटिंग कितना बढ़िया तरीके से यहाँ पे एडिटिंग हो गया। ओके, अब ये वाला हमारा फोटो एडिटिंग हो चुका है कंप्लीट। फोटो को सेव करना है, सेव करने के लिए आप लोग इस वाला टूल के अंदर क्लिक कर लेना है एंड यहाँ पे गैलरी के अंदर क्लिक करके फोटो को सेव कर लेना है गैलरी के अंदर। ओके,